बाबा के पास आज वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा को कहा आज विशेष कई बच्चों की कुछ परिस्थितियों की भी यादें हैं, तो बाबा सुन करके एक सेकंड मुस्कराने लगे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, इस पुरानी दुनिया में रहना है जब तक, तब तक तो कुछ ना कुछ मन की परिस्थिति, तन की परिस्थिति, संकल्प की परिस्थिति, कई प्रकार की बातें तो आनी है। पर बाबा ने कहा परिस्थिति कब आती है? जब पर शब्द निकल जाता है। पर शब्द निकल जाता है तो स्थिति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को सदैव उमंग उत्साह के दो पर दिए हैं उड़ने के लिए। बाबा ने कहा जब वह भूल जाते हैं, उमंग उत्साह के पर से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, तो बाबा ने कहा फिर परिस्थिति अपना अनेक रूप से बच्चों के आगे आती है। जब बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, फिर बाबा को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सुनाया करते हैं योग में। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों की बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को हर समय हर घड़ी एक ही बात का अभ्यास बाबा इतने समय से कराते आ रहे हैं कि बच्चे उमंग उत्साह में रहेंगे तो आपके सामने कोई भी प्रकार की परिस्थिति आएगी नहीं, स्थिति अपने आप ही मजबूत अचल अडोल बनती रहेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने बच्चों को सदैव दो पर दिए हैं उड़ने के लिए। फिर तो बाबा को मैंने यह भी सुनाया कि चारों तरफ भट्टियां हो रही है, ऊपर नीचे शांति वन में, विशेष सूरत के भाई बहने और भी अन्य जगह के भाई बहने पहुँचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा का घर तो विशेष बच्चों को अपनी सूरत, जैसे नाम बच्ची सुना रही ना सूरत, तो बाबा ने कहा स्थान का नाम तो है ही, पर उसी प्रकार बच्चों को बाबा के घर में आकर अपनी मूरत को भी उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार मूर्ति देखने में कितनी शोभनीक होती है, उसमें कितनी सुंदरता बनी होती है, जड़ी होती है, तभी उसका यादगार मंदिरों में देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा के घर में आए हैं बच्चे अपने आप को मूर्तिवान बनाने के लिए, अपने को सजाने के लिए, संवारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसा बच्चे लक्ष्य रख के जाएंगे तो बाबा ने कहा बाप भी उसी प्रकार बच्चों को अनुभव भी कराता है और बच्चों को अनुभवी मूरत बन करके भी। बाबा ने कहा बाप के घर से
क्योंकि आप बच्चे बाबा के घर के सिंगार हो। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत, जैसे ऐसे लग रहा था कि बाबा बच्चों के ऊपर बहुत जैसे स्नेह और प्यार का हाथ घुमा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे भी कैसे कैसे बाबा के घर में पहुंचते हैं, अपना लक्ष्य भी रखते हैं और अपने को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा जिस प्रकार बाबा के घर का एक एक कणा दाने का महत्व है, तो आज मैं बच्चों को एक एक, जैसे कि आज भोग में बूंदी थी, तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को एक एक बूंदी नहीं, एक एक ब्रह्मांड का गोला मुख में डाल रहे हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को याद दी, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी याद दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।